अध्यात्म रामायण सुंदरकांड प्रथम सर्ग हनुमान जी का समुद्रोल्लंघन और लंका प्रवेश। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, श्री हनुमान जी 100 योजन तक फैले हुए और मकरादि दुष्ट जल जंतुओं से पूर्ण समुद्र को लांघने के लिए उद्यत हो परमात्मा राम का स्मरण कर इस प्रकार बोले, हे वानरगण, तुम सब इस ओर देखो, मैं भगवान राम के छोड़े हुए अमोघ बाण के समान आकाश मार्ग से जाता हूँ। मैं आज ही जनक नंदिनी श्री सीता जी को देखूंगा। निश्चय ही अब मैं कृतकार्य होकर ही पुनः श्री रघुनाथ जी के दर्शन करूंगा। प्राण परायण के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार कर उनके परम धाम को चला जाता है, फिर मैं उन्हीं का दूत उनके अव्यय रूप अंगुली की अंगूठी लिए हुए अपने हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ इस तुच्छ समुद्र को लांघ जाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कहे श्री हनुमान जी ने अपनी बाहें फैलाई और पूंछ को सीधा किया तथा तुरंत ही गर्दन को सीधा एवं दृष्टि को ऊपर की ओर कर पांव सिकोड़ लिए और दक्षिण की ओर मुख करके वायु वेग से उड़ान लगाई। उस समय वे देवताओं के देखते देखते आकाश मार्ग से बड़े तीव्र वेग से जा रहे थे। पवन पुत्र हनुमान जी को इस प्रकार वायु वेग से जाते देख देवताओं ने उनके सामर्थ्य की परीक्षा के लिए आपस में इस प्रकार कहा, यह महान शक्तिशाली वानर वायु के समान तीव्र वेग से जा रहा है, किंतु पता नहीं यह लंका में घुस सकेगा या नहीं, अतः इसके बल का पता लगाना चाहिए। परस्पर ऐसे विचार कर उन्होंने कौतूहलवश नागमाता सुरसा से कहा, सुरसे, तुम अभी जाकर इस वानर श्रेष्ठ के मार्ग में कुछ विघ्न खड़ा करो और इसकी बल बुद्धि का पता लगाकर तुरंत लौटाओ। देवताओं के इस प्रकार कहने पर वह तुरंत ही हनुमान जी को विघ्न उपस्थित करने के लिए गई। वह उनके मार्ग को सामने से रोक कर खड़ी हो गई और बोली, हे महामते, आओ शीघ्र ही मेरे मुख में प्रवेश करो। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल थी, अतः देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बनाया है। तब हनुमान जी ने उससे कहा, हे मात, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से जानकी जी को देखने के लिए जा रहा हूं। वहां से शीघ्र ही लौटकर श्री रघुनाथ जी को उनका कुशल समाचार सुनाकर फिर मैं तेरे मुख में प्रवेश करूंगा। हे सुरसे, मैं तुझे प्रणाम करता हूं, तू मेरा मार्ग छोड़ दे। इस पर सुरसा ने फिर कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, अतः एक बार मेरे मुख में प्रवेश करके फिर चले जाना, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। अच्छा, तो शीघ्र ही अपना मुंह खोल, मैं अभी तेरे मुख में घुसकर तुरंत ही लंका को चला जाऊंगा। ऐसा कहे हनुमान जी अपना शरीर 1 योजन लंबा चौड़ा बनाकर सामने खड़े हो गए। हनुमान जी का यह रूप देखकर सुरसा ने अपना मुख 5 योजन फैलाया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दुगना कर लिया। फिर सुरसा ने अपना मुख 20 योजन तक किया तो हनुमान जी ने अपना देह 30 योजन कर लिया। इस पर जब सुरसा ने अपना मुख 50 योजन फैलाया तो हनुमान जी अंगूठे के समान छोटे से आकार के हो गए और चट उसके मुख में जाकर बाहर निकल आए तथा उसके सामने खड़े होकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे मुख में जाकर फिर निकल आया हूं, अब तुम्हें नमस्कार है। हनुमान जी को इस प्रकार कहते देख सुरसा बोली, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, जाओ श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करो। हे वानर, देवता लोग तुम्हारा बल जानना चाहते थे, अतः उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। मुझे निश्चय है कि तुम सीता जी को देखकर फिर शीघ्र ही रघुनाथ जी से मिलोगे, अब तुम जाओ। ऐसा कहकर सुरसा देवलोक को चली गई और श्री हनुमान जी फिर आकाश मार्ग से पक्षीराज गरुड़ के समान चलने लगे। इसी समय समुद्र ने भी सुवर्ण और मणियों से युक्त मैनाक पर्वत से कहा, देखो ये महाशक्तिशाली पवन पुत्र हनुमान जी राम कार्य के लिए जा रहे हैं, तुम उनकी सहायता करो। पूर्व काल में मुझे सगर पुत्रों ने बढ़ाया था, इसी से मैं सागर कहलाता हूं। ये दशरथ नंदन भगवान राम उन्हीं के वंश में प्रकट हुए हैं और ये कपिराज उन्हीं का कार्य सिद्ध करने जा रहे हैं।
तुम तुरंत ही जल से ऊपर उठ जाओ, जिससे ये तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर आगे जाएं। तब मैनाक पर्वत बहुत अच्छा कह तुरंत अपने अनेक मणिमय शिखरों से पानी के ऊपर बहुत ऊंचा निकल आया और उन रिंगों के ऊपर मनुष्याकार से स्थित होकर उसने जाते हुए हनुमान जी से कहा, हे महाकपे, मैं मैनाक हूं। हे मारुते, समुद्र ने मुझे तुम्हें विश्राम देने के लिए आज्ञा दी है। आओ, मेरे ये अमृत तुल्य पके फलों को खाकर कुछ देर यहां विश्राम करके फिर आनंद पूर्वक चले जाना। मैनाक के इस प्रकार कहने पर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, राम कार्य के लिए जाते हुए मैं भोजन आदि कैसे कर सकता हूं? मुझे जल्द ही जाना है, अतः विश्राम का अवकाश भी कहां है। ऐसा कह कपिश्रेष्ठ हनुमान जी मैनाक का मान रखने के लिए उसके शिखर को केवल अंगुली से छूकर आगे चल दिए। वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि उनकी छाया को एक छाया ग्रहण ने पकड़ लिया। वह सिंहका नामक एक घोर राक्षसी थी, जो सदा जल में रहकर आकाश में जाते हुए जीवों की छाया पकड़कर उन्हें खींच लेती थी और खा जाया करती थी। उससे पकड़े जाने पर महापराक्रमी श्री हनुमान जी सोचने लगे, ये ऐसा कौन सा विघ्न कारक है जिसने मेरा वेग रोक लिया? दिखाई तो कहीं नहीं देता, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसे सोचते सोचते उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे की ओर की तो उन्हें वहां एक विकराल रूप और स्थूल शरीर वाली सिंह का राक्षी दिखलाई दी। उसे देखते ही वे तुरंत जल में कूद पड़े और बड़े क्रोध से उसे लातों से ही मार डाला। इसके पश्चात हनुमान जी फिर उछलकर दक्षिण की ओर चलने लगे और समुद्र के दक्षिणी तट पर गए, जहां नाना प्रकार के फल वाले वृक्ष लगे हुए थे और जो तरह तरह के पक्षियों और मृगों से पूर्ण तथा विविध भांति की पुष्पलताओं से आवृत था। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी देखी, जो सब ओर से अनेक परकोटों और खाइयों से घिरी हुई थी। उसे देखकर वे सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार इस नगर में जाना चाहिए। फिर निश्चय किया कि मैं रात्रि के समय सूक्ष्म शरीर धारण कर इस रावण प्रतिपालित लंकापुरी में प्रवेश करूंगा। यह विचार कर वे वहीं ठहर गए और फिर रात्रि होने पर लंका की ओर चले। जिस समय महाप्रतापी श्री हनुमान जी ने सूक्ष्म शरीर धारण कर नगर के द्वार में प्रवेश किया, उस समय वहां साक्षात लंकापुरी राक्षसी का रूप धारण किए खड़ी थी। उसने हनुमान जी को नगर में जाते देख डांटा और पूछा, तू कौन है जो इस रात्रि के समय मुझ लंकिनी का अनादर कर चोर के समान वानर रूप से नगर में जा रहा है, और यहां तू क्या करना चाहता है? ऐसा कह उसने क्रोध से आंखें लाल कर उन्हें लात मारी। तब हनुमान जी ने उसकी अवज्ञा करते हुए उसे बाएं हाथ का घूंसा मारा, जिससे वह बहुत सा रुधिर वामन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर कुछ देर पीछे लंकिनी ने उठकर महाबली हनुमान से कहा, हे हनुमान, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। हे अनघ, तुम लंकापुरी को जीत चुके। पूर्व काल में मुझसे श्री ब्रह्मा जी ने कहा था कि 28वें चतुर्युग के त्रेता युग में अविनाशी नारायण देव दशरथ कुमार राम रूप से अवतीर्ण होंगे और उनकी योग माया महाराज जनक के घर में सीता जी होकर प्रकट होंगी। क्योंकि मैंने पहले कभी उनसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, वे श्री रामचंद्र जी, भाई लक्ष्मण और भार्या सीता सहित महावन दंडकारण्य में आएंगे। वहां श्री सीता जी को रावण हर ले जाएगा। तदंतर राम के साथ सुग्रीव की मित्रता होगी और सुग्रीव जानकी जी की खोज के लिए वानरों को भेजेगा। उनमें से एक वानर रात्रि के समय तेरे पास आएगा, वह तुझसे तिरस्कृत होने पर तुझे मुक्का मारेगा। हे अनघे, जिस समय तू उसके प्रहार से व्याकुल हो जाएगी, उसी समय रावण का अंत होगा, इसमें संदेह नहीं। अतः हे निष्पाप हनुमान, तुमने मुझ लंका को जीत लिया तो सभी को जीत लिया। रावण के अंतःपुर में एक अत्युत्तम क्रीड़ा वन है, उसमें दिव्य वृक्षों से संपन्न एक अशोक वाटिका है, उसके बीचों बीच सीसम का वृक्ष है। श्री जानकी जी वहीं पर भयंकर राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। तुम उनका दर्शन कर शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी को उनका समाचार सुनाओ।
आज बहुत दिनों में मुझे श्री रामचंद्र जी की संसार बंधन को नष्ट करने वाली स्मृति हुई है और उनके भक्त का अति दुर्लभ संग प्राप्त हुआ है। अतः आज मैं धन्य हूं। मेरे हृदय में विराजमान वे दशरथ नंदन राम मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। पवन नंदन हनुमान जी के समुद्र लांघते ही पृथ्वी पुत्री श्री सीता जी और रावण की बाईं भुजा और बाएं नेत्र तथा इंद्रियातीत श्री राम जी के दाएं अंग बड़े जोर से फड़कने लगे। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदंतर श्री हनुमान जी अति सुशोभित लंकापुरी में गए और सूक्ष्म शरीर धारण कर रात्रि में नगर में सब ओर घूमते रहे। सीता जी का पता लगाने के लिए वे राजमंदिर में घुस गए। वहां सब ओर ढूंढने पर भी जब उन्हें जानकी जी ना मिली तो उन्हें लंकिनी का कथन याद आया और वे तुरंत ही अति मनोज्ञ अशोक वाटिका में पहुंचे। वह वाटिका कल्प वृक्षों से पूर्ण थी। उसकी बावड़ियों की सीढ़ियां रत्न जटित थीं। उसमें नाना प्रकार के पक्षी और मृगगण विचर रहे थे तथा सुवर्ण निर्मित महलों की अपूर्व शोभा थी। वह वाटिका फलों के भार से झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्षों से घिरी हुई थी। वहां प्रत्येक वृक्ष के नीचे जानकी जी को ढूंढते ढूंढते पवन नंदन हनुमान जी ने एक अति सुंदर देवालय देखा। वह इतना ऊंचा था कि उसके शिखर बादलों से टकराते थे। सैकड़ों मणिमय स्तंभों से युक्त उस देवालय को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उससे कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यंत घने पत्तों वाला शिनशपा सीसम का वृक्ष देखा। उसके नीचे धूप कभी नहीं जाती थी और वह सुनहरी पक्षियों से आकीर्ण था। वीरवर हनुमान जी ने देखा कि उस वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी राक्षसियों से घिरी हुई बैठी हैं। उनके बालों की जुड़कर एक वेणी हो गई है। वे अत्यंत दुर्बल और दीन अवस्था में हैं तथा मैले कुचैले वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी हुई वे अति शोकपूर्वक राम राम कह रही हैं। उन्हें अपना कोई रक्षक भी दिखाई नहीं देता और वे उपवास करने से अति दुर्बल हो गई हैं। कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान जी शाखाओं के पत्तों में छिपकर उन्हें देखने लगे और मन ही मन कहने लगे, आज जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। इसी समय अंतःपुर से बड़े किलकिला शब्द की आवाज आई। तब हनुमान जी ने यह सोचकर कि ये क्या गड़बड़ है, वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे देखा कि स्त्रियों से घिरा हुआ रावण उसी ओर आ रहा है। उसके 10 मुख 20 भुजा और कज्जल समूह के समान काले शरीर को देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे पत्तों में छिप गए। रावण को सदा यही चिंता रहती थी कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ से जल्दी मेरा मरण हो। न जाने क्या कारण है कि वे अभी तक सीता के लिए भी आए नहीं। इस प्रकार निरंतर भगवान राम का ही हृदय में स्मरण करने से राक्षस राज रावण ने उसी दिन शेष रात्रि में स्वप्न में देखा कि श्री राम का संदेश लेकर आया हुआ कोई स्वेच्छाधारी वानर सूक्ष्म शरीर से वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ देख रहा है। इस अद्भुत स्वप्न को देखकर उसने अपने मन में सोचा, कदाचित ये स्वप्न ही हो, अतः अब अशोक वन में चलकर मुझे एक काम करना चाहिए। मैं जानकी जी को अपने वाग्बाणों से भेद कर अत्यंत दुखी करूं, जिससे वह वानर यह सब देखकर रामचंद्र जी को सुनाए। यह सोचकर वह तुरंत सीता जी के पास चला। उसके साथ ही स्त्रियों के नुपुर और किंकणी करधनी आदि झनकार सुनकर सीता जी घबराकर अपने शरीर को सिकोड़ नीचे को मुख करके बैठ गई। उस समय उनके नेत्रों में जल भर आया और हृदय भगवान राम में लग गया। सीता जी को देखकर रावण बोला, हे कमनीय कटी और सुंदर भ्रुकुटी वाली, तू मुझे देखकर वृथा क्यों इतनी सिकुड़ती है? अब राम तो अपने भाई के साथ वनचरों में रहता है। वह कभी तो किसी को दिखाई देता है तो कभी दिखाई नहीं देता। मैंने तो उसे देखने के लिए कितने ही लोग भेजे, किंतु बहुत प्रयत्न पूर्वक सब ओर देखने पर भी वह उनको नहीं दिखाई दिया। अब राम से तुझे क्या काम है? वह तो तुझसे सदा उदासीन रहता है।
सदा तेरे पास रहते हुए और सदा तुझसे आलिंगित होते हुए भी उसके हृदय में अभी तक तेरे प्रति स्नेह नहीं हुआ। राम को तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए हैं और तुझ में जितने गुण हैं, उनको भोग कर भी वह कृतघ्न गुणहीन और अधम कभी उनकी याद भी नहीं करता। देखो, मैं तुम्हें हर ले आया। तुम उसकी सुशीला पत्नी हो और इस समय दुख शोक से व्याकुल हो रही हो, तो भी वह अभी तक नहीं आया। तब उसे तुझ में प्रेम ही नहीं तो आएगा कैसे? वह सर्वथा असमर्थ, ममता शून्य, अभिमानी, मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। हे भामिनी, अपने से उदासीन उस नराधम से तुझे क्या लेना है? देख, मैं राक्षस श्रेष्ठ तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूं, अतः तू मुझे ही अंगीकार कर। यदि तू मेरे अधीन रहेगी तो देव, गंधर्व, नाग, यक्ष और किन्नर आदि की स्त्रियों का शासन करेगी। रावण के यह वचन सुनकर श्री सीता जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सिर नीचा कर लिया और बीच में तृण रखकर कहा, अरे नीच, इसमें संदेह नहीं, श्री रघुनाथ जी से डरकर ही तूने भिक्षु का रूप धारण किया है और उन दोनों रघुश्रेष्ठों की अनुपस्थिति में ही कुत्ता जिस प्रकार सूनी यज्ञशाला से हवि ले जाता है, उसी प्रकार तू मुझे हर लाया है। सो बहुत शीघ्र ही उसका फल पाएगा। जिस समय भगवान राम की बाण वर्षा से विदीर्ण होकर तू यमलोक को जाएगा, उस समय ही तू अमानव राम को जानेगा। अरे राक्षसाधम, इसमें संदेह नहीं, तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्ध में मारने के लिए भाई लक्ष्मण सहित भगवान राम समुद्र को सुखाकर अथवा उस पर बाणों का पुल बनाकर यहां आएंगे और तुझे पुत्र और सेना के सहित मारकर मुझे अयोध्यापुरी ले जाएंगे। जानकी जी के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण को अत्यंत क्रोध हुआ और वह क्रोध से नेत्र लाल कर जनक नंदिनी सीता जी को मारने पर उतारू हो गया। तब पति के हित में तत्पर रहने वाली महारानी मंदोदरी ने अपने पति को रोकते हुए कहा, पतिदेव, आपके लिए तो देवता, गंधर्व और नागादियों की ऐसी अनेकों मदमत नयना मनोहारिणी महिलाएं हैं जो बड़े चाव से आप ही को वरण करना चाहती हैं। तब रावण ने बहुत सी विकराल बदन वाली राक्षसियों से कहा, हे निशाचरियों, भय अथवा आदर जिस उपाय से भी सीता कामना युक्त होकर शीघ्र ही मेरे अधीन हो जाए, तुम वही करो। यदि 2 महीने के भीतर वह मेरे वशीभूत हो जाएगी तो सर्व सुख संपन्न होकर वह मेरे साथ राज्य भोगेगी, और यदि 2 महीने तक भी यह मेरी शैया पर आना स्वीकार ना करे तो इस मानवी को मारकर मेरा प्रातःकाल का कलेवा बना देना। ऐसा कह रावण अपनी स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चला गया और राक्षसियां सीता जी के पास आकर उन्हें अपने अपने उपायों से भयभीत करने लगीं। उनमें से एक बोली, जानकी, तेरा यवन वृथा ही गया, यदि तू रावण का सहवास करे तो यह सफल हो जाए। दूसरी ने क्रोध दिखाते हुए कहा, जानकी, अब हमारी बात मानने में देर क्यों करती है? कोई खड़ग निकालकर जानकी जी को मारने के लिए तैयार होकर बोली, इसके अंगों को काटकर अभी अलग अलग कर दो। तथा कोई भयंकर मुख वाली राक्षसी अपना मुख फाड़कर डराने लगी। तब सीता जी को इस प्रकार डराती हुई उन विकृत वदना राक्षसियों को रोककर त्रिजटा नाम की एक वृद्धा राक्षसी बोली, अरे दुष्टा राक्षसियों, मेरी बात सुनो, इसी में तुम्हारा हित होगा। तुम इन रोती बिलकती जानकी जी को मत डराओ, बल्कि इन्हें नमस्कार करो। मैंने अभी अभी स्वप्न में देखा है कि कमल लोचन भगवान राम लक्ष्मण के साथ श्वेत ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए हैं और मैंने उन्हें संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर तथा रावण को युद्ध में मारकर सीता जी को अपनी गोद में लिए पर्वत शिखर पर बैठे हुए देखा है। रावण गले में मुंड माला पहने, शरीर में तैल लगाए, नंगा होकर अपने पुत्र पौत्रों के साथ गोबर के कुंड में डुबकी लगा रहा है और विभीषण प्रसन्न चित्त से रघुनाथ जी के पास बैठा हुआ अति भक्ति पूर्वक उनकी चरण सेवा कर रहा है। इससे निश्चय होता है कि रामचंद्र जी अनायास ही रावण का कुल सहित नाश कर विभीषण को लंका का राज्य देंगे और सुमुखी सीता को गोद में बिठाकर निसंदेह अपने नगर को चले जाएंगे। त्रिजटा के यह वचन सुनकर राक्षसियां डर गईं। वे चुपचाप
जहां तहां बैठ गईं और कुछ देर पीछे उन्हें नींद आ गई। राक्षसियों के डराने से सीता जी अत्यंत भयभीत और विह्वल हो गईं और अपना कोई सहायक न देखकर वे दुख से मूर्छित हो गईं। फिर आंखों से आंसू भरकर अति चिंताकुल होकर इस प्रकार कहने लगी, इसमें संदेह नहीं, प्रातःकाल होते ही राक्षसियां मुझे खा जाएंगी। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मुझे अभी मृत्यु आ जाए। इस प्रकार मौत का निश्चय करके भी उसका कोई साधन न देखकर कल्याणी सीता वृक्ष की शाखा पकड़े हुए अत्यंत दुख से भरकर बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रहीं।